नमस्कार, मैं हूं अभिषेक चंद्रा और आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। सिटी पोस्ट बिहार की राजनीति से हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। हम पहुंचा रहे हैं बिहार की राजनीति की सारी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें सबसे पहले आप तक। पटना साहिब क्षेत्र से भाजपा के उम्मीदवार नंदकिशोर यादव ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। अभी से थोड़ी देर पहले पटना साहिब के जो दफ्तर हैं वहां पर पूरी टीम के साथ, जो है पूरे कागजों के साथ, अपना औपचारिक नामांकन दाखिल करने के लिए नंदकिशोर जो हैं पहुंचे। जो तस्वीरें हमारे स्क्रीन पर आपको दिख रही होंगी, इसमें आप साफ तौर पर देख पा रहे होंगे कि नामांकन के लिए नंदकिशोर यादव, जो कि इस क्षेत्र से लंबे समय से विधायक हैं और बीजेपी ने एक बार फिर से उनमें अपना विश्वास और अपनी आस्था जताई है, वो मजिस्ट्रेट के सामने में जो है अपना नामांकन के जो पेपर्स हैं वो फाइल कर रहे हैं। पटना साहिब क्षेत्र से कई उम्मीदवार इस बार मैदान में हैं, जिनमें सबसे प्रमुख नाम जो है भाजपा के नंदकिशोर यादव का है। नंदकिशोर बिहार सरकार में मंत्री भी हैं और एक बार फिर से अपने इसी क्षेत्र से वो दाव आजमा रहे हैं। लंबे वक्त 90 के दशक से ही अगर आप देखें तो नंदकिशोर यादव इस क्षेत्र का रिप्रेजेंटेशन जो है वो कर रहे थे और एक बार फिर जो है उन्होंने कहीं ना कहीं भाजपा ने भी उनमें अपनी आस्था जताई है और साथ ही साथ नंदकिशोर यादव ने भी अपना प्रयास जो है इसी क्षेत्र से जारी रखा है। आज 4 सीटों में नामांकन किया है और मेरे नामांकन पत्र के प्रस्तावक हैं, एक है पटना नगर निगम की महापौर श्रीमती साहू जी, दूसरे हैं वरिष्ठ अनुसूचित जाति के नेता विश्वनाथ भगत जी, तीसरे हैं श्री विश्वनाथ मेहता जी और चौथे हैं रामनाथ पटवा जी। पटना साहिब की जनता का प्यार लगातार मुझे मिलता रहा है और चुनाव में मेरा एक ही एजेंडा होता है, विकास विकास विकास। जी, अब तक महागठबंधन ने प्रत्याशी अभी तक मैदान नहीं उतारा है, अब तक तय नहीं हो पाई है, तो ऐसे में कितना इसका लाभ मिल पाएगा एनडीए को? देखिए, मैं कभी मेरे विरोध में कौन उम्मीदवार खड़ा है मैंने कभी इसकी चिंता नहीं की, क्योंकि मैं विरोध की राजनीति नहीं करता, मैं विरोध में वोट नहीं मांगता, मैं अपने काम के बल पर वोट मांगता हूँ और काम के बल पर जनता का दिल जीतता हूँ और तब जनता का आशीर्वाद मिलता है। जी, लोजपा एक मजबूत संगठन का आपका सहयोगी था, जो विधानसभा चुनाव से पहले वो गठबंधन से अलग हो गया है, तो क्या लगता है कि इसका प्रभाव एनडीए को कहीं ना कहीं इसका एनडीए एकजुट है और एनडीए के सामने कोई महागठबंधन टिकने वाला नहीं है, चारों खाने चित होगा, पटना साहिब की जनता जीतेगी, फिर से इंडिया का झंडा लहराएगा। इन तस्वीरों को सबसे पहले हम आप तक पहुंचा रहे हैं, बिहार की राजनीति की खबरों को सबसे पहले हम आप तक पहुंचाएंगे, ये आपका हम से हमारा वायदा है। अभिषेक चंद्रा, सिटी पोस्ट, पटना।